रवि आलू का पराठा, आलू प्याज का, आलू प्याज का, आलू एक पनीर एक मिक्स में, चार बड़े बड़े मक्खन है बाबा, भीड़ लगी है देखो भाई। ये बन के तैयार है, पंखा लेके जा रहे हैं भैया। दाल भी मिलती है पराठों के साथ, ये देखो। अरे वाह, ये काट दी इसमें देखो, तरी पूरी अंडी ये डाल दे ऊपर से, तैयार देखो बन के अंडा तरी। लोगों की भीड़ लगी है भाई देखो खाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आ रखा हूँ आईटीओ में आ रखा हूँ सरदार जी के पराठे खाने के लिए, जो मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे को आलू के पराठे इतने पसंद है, मैं क्या बताऊँ। घर से छोड़ के वैसे यहाँ पे आऊँ खाने के लिए, चलो आपको लेके चलता हूँ उनकी शॉप पे, कितने अच्छे तरीके उनको बनाने का। उनमें वैरायटी के पराठे मिलते हैं, आलू का पराठा भी है, गोभी का पराठा भी है और अंडे का पराठा भी है। आपको चलो लेके चलता हूँ उनकी शॉप पे, मैं आप खुद ही देख लेना क्या क्या तरीका उनका बनाने का पराठे का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उनकी दुकान पर। दोस्त ये वो शॉप देखो, सरदार जी के पराठे वाली, भीड़ लगी है लोगों की खाने के लिए, तो चलते हैं तो अपना देते हैं ऑर्डर हम भी। इनका बोर्ड है देखो, आलू का पराठा, आलू प्याज पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मिक्स वेज पराठा, पनीर पराठा, अंडा पराठा, बूंदी रायता, दाल फ्राई, अंडा कड़ी और मटर पनीर और छोले, ये सब मिलता है यहाँ पे देखो। ये मेरी शॉप पे छोटी सी शॉप है, अच्छी सी ये रही। पराठे लगाए जाते हैं यहाँ पे इनके, ये देखो इनके वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये रे चीज चाहिए होती है सबको, यहाँ दे रखी है इन्होंने, ये ने ये देखो चार जो पराठे सब बहुत ज़रूरी होता है, चार दे रखा है। और ये है चटनी और सब, ये जो वैरायटी के बनाते हैं ना पराठे, ये सामान रखा है इन्होंने यहाँ पे और बना रहे। देखो वहाँ पे भैया क्या बना रहे हो, गोभी का, गोभी का अंडे का पनीर, ये कौन सा पराठा बन रहा है, गोभी का, गोभी का ये वाला पनीर का, ये पनीर का है। डाल दी गोभी, ये कौन सा है, गोभी का है। ये भाई गूंद रहे देखो आटे को, देखो गूंद के तैयार है। हाँ जी, ये घर में मम्मी बनाती रोटी ऐसे बना रहे हैं, लोगों को पसंद आए तो सही है। ये क्या पनीर का, ये पनीर का पराठा भाई, ये कौन सा आलू का, ये आलू का, ये आलू का पराठा, मतलब बन के तैयार हो आलू का पराठा। लस्सी चुका देख रहे, ये भी पनीर का पराठा, प्लेट दिया ये रहा। ये आ गया आलू का पराठा देखो भाई, एक आलू एक पनीर एक मिक्स में, चार बड़े बड़े मक्खन है क्या बाबा, भीड़ लगी है देखो भाई। कब से बनाते पराठे आलू का, तो 5-6 साल हो गए यही हो गए। हाँ जी, ऐसे कहाँ से बिलोंग करते हो, आईटी यहाँ से, यहाँ के दिल्ली का ही होगा। हाँ जी, कैसे सीखे थे आप, किन से आते बनाने के लिए, कैसे सीखे थे आते ही बनाने आपको, यही पर सीखा है, मैंने सीखा है, सरदार जी बनाते थे। दोस्तों बहुत से पराठे मिल रहे हैं, ठीक है मैंने अपना ऑर्डर कर दिया है, आलू का पराठा खाता हूँ, बताते कितना टेस्टी बनाया भैया ने। ठीक है चलो खाते हैं, क्या लगा दे रहे, ठीक है ठीक है, आलू का लगा देने, ठीक है ये बन के तैयार है मेरा आलू का पराठा। ये क्या भाई, ये अचार है, ये अचार है, ये रहा चटनी, ये चटनी रखी हुई है, उन्होंने लगा दी भाई मेरी प्लेट आलू की, ये आलू का, अच्छा ये अचार, ठीक है मक्खन, मक्खन भी आ गया। अरे वाह, जो मैंने आलू का पराठा किया था ना ऑर्डर आ चुका है देखो, साथ में मक्खन की टिक्की भी दी है उन्होंने, चटनी है और ये इनका अचार, ये देखो ये आलू का पराठा। चलो खाता है इसको, देखता कैसा बना रहा भैया ने, देखो ये रहा इनका पराठा आलू का, ये रहा ये पराठा, ये इनका अचार, ये चटनी, जैसे घर में होता है ना वैसा बना रखा पूरा, आलू से इसे उबाल रखा, चटनी भी है साधन जी मेरी। तो सही लग रहा है, मैं कनका जैसे घर में मम्मी वगैरह बनाती है ना, पूरी सही तरीके से बनाती है, ना नमक ज़्यादा ना कि चीज़ ना मिर्ची, बिल्कुल परफेक्ट वैसे बना रहे हैं पूरा। सब तो सही मुझे लगी इनकी, ये अचार, अचार एक नंबर का इनका, तेरा इनका तो अचार है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने रेडीमेड ले रखा और घर में ये बनाया है, और चटनी लग रही है घर की, और जो ये इनका पराठा है इतना मस्त लग रहा है,
आलू पूरे गला रखे अंदर से, मज़ा आ रहा खाने में। तो पराठा खत्म हो चुका भाई, देखो यार खाली चाट चुका पूरे खत्म हो चुका है, कड़ी पूरी खत्म। देखो बच्चा मिला है वो बता रहा है यहाँ का रिव्यू देगा, चल बच्चे से बात करते हैं। चलिए दोस्तों ये बच्चा मिला है छोटा सा, हमें ये बताएगा कि यहाँ के जो पराठे का रिव्यू क्या है। मेरा नाम क्या है आपका? अदीब उस्मानी, और मैं वहाँ से आया हूँ जो जगतपुरी पुलिस स्टेशन के वहाँ पे मेरा घर है। और यहाँ के जो पराठे हैं ये हम लोग बहुत दिनों से खाते आ रहे थे, पहले इन अंकल के पापा बैठते थे, अब अंकल आ गए हैं। तो पहले जब इनके पापा बैठते थे, मेरी मम्मी भी यहाँ पे बहुत पहले से आ रही हैं और हम सब भी पहले से आ रहे थे, और यहाँ के पराठे हमें बहुत अच्छे लगे। वी आर सो हैप्पी टू ईट और यहाँ के पराठे मेरे को बहुत पसंद है, डिलीशियस। और अगर ये सुबह थोड़े से होते तो मैं इसको टिफिन में भी लेके जा सकता था, पर अफसोस ये सुबह नहीं होते। अगर मैं इसको रात में लेके जाऊँ तो फिर ये थोड़ा सा ख़राब, बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। इनकी दाल देखो मेरी, ये दाल भाई, ये दाल भी मिलती है पराठों के साथ, ये देखो अंडा कड़ी भाई देखो ले लेना उस दाल जी, ये पास मिलती है अंडा कड़ी भी, ये देखो ये रही। अरे वाह, ये काट दी इसमें देखो, लाल लाल तरिए पूरी अंडी की, ये डाल दे ऊपर से। अरे वाह, ये क्या देखो बन के अंडा तरी। दोस्तों मैंने तो अपने आलू के पराठे खा लिए हैं, और जो यहाँ का जो ओनर है ना भैया, जो चलाते हैं, जो इनके पापा थे भैया चलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि कब से ये अपनी शॉप लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने पापा के बारे में बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं भैया से बात करते हैं। आप जी पराठे वाले हैं, ये यहाँ के ओनर यही है, यही संभालते हैं। भैया आपका नाम क्या है वैसे? अमित पाल सिंह। भैया कब से लगा रहे हैं यहाँ पे आप? लगा तो 1968 से रही है, लेकिन 2005 में पापा की डेथ हुई, जब से मैं बैठ रहा हूँ। अच्छा, आप ही बैठ रहे थे उसमें? अच्छा, तो यहाँ पे ये बताओ जो आपके जो पराठे हैं इसमें डालते क्या, जो लोग सब लोग खाने के लिए आते हैं? पापा जी का प्यार है या अभी आपने शुरू किया? बाबा जी की कृपा है। बाबा जी की कृपा है। अच्छा, मैंने खाए पराठे आपके, ऐसा लगा ऐसे घर में मम्मी बनाती है ना, बिल्कुल वही स्वाद है आलू के, वही आलू के टेस्ट जैसे घर में बनते हैं, बिल्कुल वही था। मसाला हम ठीक रखते हैं, मसाला ज़्यादा नहीं था, मसाला ठीक था। जैसे चार अचार ही मैंने खाया, अच्छा लगा मेरे को, हर चीज़ को बढ़िया लगी, लोगों का रिव्यू रहे, लोगों ने भी बहुत अच्छा बताया, अंकल जी बहुत पहले से खा रहे हैं ये सब बना रहे हैं। तो वे कहाँ से बिलोंग करते? पंजाब से? नहीं, मैं दिल्ली बॉर्न। दिल्ली बॉर्न हो? पिताजी? पिताजी इलाहाबाद के थे, मेरे दादाजी आलू के थे। अच्छा, तो वो इलाहाबाद से दिल्ली आए, दिल्ली में छोटा सा सेटअप किया, अब उसी की दाल रोटी हम खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके भैया। चलो दोस्तों चलता हूँ मैं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में जरूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, जो इसकी लोकेशन वगैरह सब मैं डाल दूँगा अपने चैनल पर। ओके दोस्तों, बाय।